हाँ वो ऑफिस में काम भी नहीं था और आई वाजंट फीलिंग वेल। क्या हुआ तुम्हें? मैं तो इसीलिए तुम्हें सुबह ही कह रही थी कि ऑफिस मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हाँ वो नो नो आई एम गुड, ठीक हूँ मैं। तुम अगर कहो तो हम किसी डॉक्टर को दिखा लें। मैंने कहा ना मैंने मेडिसिन ली है, आई एम ओके। वो रमशा कहाँ है? उसके एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो पढ़ने के लिए बिठाया। तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो तो फिर मैं उसको बुलाती हूँ। वैसे भी वो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। रियली really? बाप और बेटी का रिश्ता ही कुछ इस तरह का होता। असल मैं सोच रही थी कि रमशा के एग्जाम्स हो जाएं तो फिर हम कोई ट्रिप प्लान करें। इतने टाइम से हम कहीं गए नहीं हैं। सॉरी लीजिए, अभी नहीं, बिजनेस में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं तो अभी मुश्किल होगा। मैं इतने अरसे से ये नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरी हर बात को इग्नोर कर देते हो, जैसे मेरी किसी बात की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत ही ना हो। लीजिए तुम बात को समझने की कोशिश करो, मेरे लिए मेरा बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान देना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। बिजनेस में इतने इश्यूज चल रहे हैं और तुम मुझसे ट्रैवलिंग की बात कर रही हो। जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो ले जाऊंगा मैं तुम्हें।